वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा एक कंप्लीट न्यू कंसेप्ट की ओर। लास्ट वीक आप लोगों ने इन ऑल 9 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पहले 5 वर्ड प्रॉब्लम थे आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन के ऊपर, और फिर 4 वर्ड प्रॉब्लम थे आपके इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन के ऊपर। आज से बेटा एक कंप्लीट न्यू कंसेप्ट शुरू हो रहा है और उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सीधा सा मतलब होता है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपना एक कॉमन बिजनेस शुरू करते हैं और वे लोग अपना अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अकेला हूं ना बेटा तो मैं पार्टनर नहीं बन सकता, मैं सोलो हो जाऊंगा, सिंगल। लेकिन हाँ, अगर मेरे साथ मेरा कोई एक फ्रेंड हो और वो भी इस वीडियो को बनाएगा तो हम दोनों पार्टनरशिप में वीडियो बना रहे हैं। क्यों? बिकॉज थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा वो पढ़ाएगा। तो एक ही काम को जब दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं ना तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ज्यादा करके ना बेटा बिजनेस को बहुत अच्छे से समझा जाता है। बिजनेस के अंदर कोई एक आदमी अगर बहुत पैसा नहीं लगा सकता तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने वालों को पार्टनरशिप ऑफर करता है कि आप मेरे बिजनेस में अगर इतना रुपया लगाओगे तो मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि आप अपना खुद का पैसा लाओ, बिजनेस में लगाओ। जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। पार्टनरशिप के अंदर बेटा दो कैटेगरी के सम होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जब पार्टनर्स अपना इंडिविजुअल अमाउंट लेकर आते हैं, यानी कि सब पार्टनर बता देते हैं कि मैं इतना पैसा लाया, तू इतना पैसा लाया। इस टाइम पे ना बेटा सम को सॉल्व करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि जब हर एक पार्टनर कितना पैसा लाया वो खुद ही बता देता है ना, तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। 6th स्टैंडर्ड में जाने का परसेंटेज दिया रहता था, कैसा वैल्यू फाइंड करते थे, एकदम वैसा काम करना है। और दूसरा टाइप होता है बेटा जब पार्टनर्स कुछ बताते ही नहीं है हमको, सीधा बोल देते हैं हम तीनों मिलकर 2 लाख रुपया लाए। अब 3 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख, किसने कितना पैसा लाया कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बताते। तो ऐसे सम में रेशो का काम आता है, ठीक है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम होगा जिसमें रेशो नहीं होगा, बिकॉज उसमें पार्टनर्स अपना अपना इन्वेस्टमेंट खुद बताएंगे। और एक सम होगा जिसके अंदर रेशो दिया होगा, क्योंकि पार्टनर्स कुछ नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं इतना पैसा है। आप लोग देखो क्या करने का है, जैसे कि आपका पहला सम, सीधे बैठो बेटा और समझने की कोशिश करो। पहला सम कहता है सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज। सुरेश और रमेश इन दोनों ने मिलकर 1,44,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। अब सुरेश कितना पैसा लाया और रमेश कितना पैसा लाया हम जानते ही नहीं है। तो ऐसे सम के अंदर रेशो बहुत जरूरी होता है, ओके। सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी टोटल अमाउंट ऑफ इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सुरेश और रमेश कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं हम दोनों ने मिलकर टुगेदर 1,44,000 रुपीज लाया। आगे आप देख लो तो मुझे टोटल ही लिखना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज 1,44,000। और जब बेटा टोटल अमाउंट दिया रहता है ना तो हमेशा उस सम में रेशो कंपलसरी है, वो सम में रेशो आएगा ही आएगा। इसीलिए आगे लिखा है इन द रेशो 4:4।
फाइन, तो आप लिखोगे इधर पार्टनर शिप रेशो, ये उनकी पार्टनरशिप का रेशो है और वो रेशो है उनका 4:5, ठीक है बरोबर, यस और नो करेक्ट। उन्होंने क्या किया गया, सुरेश और रमेश ने मिलकर टुगेदर साथ में 1,44,000 रुपीस लाया है। कितना अमाउंट सुरेश लाया और कितना अमाउंट रमेश लाया वो लोग बता रहे ही नहीं है, और जब हमें अलग अलग अमाउंट नहीं पता होता है ना बेटा, तब पार्टनरशिप रेशो बहुत जरूरी है। अब 1,44,000 का उन्होंने मिलकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है, क्या खरीदा है, जमीन का टुकड़ा, ये मैं नहीं बोलता क्वेश्चन बोलता है, लिखा है एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। जमीन बेटा एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी अमानत है हमारे पास जिसकी वैल्यू कभी भी गिरती नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर ही जाती है। तो अब उन्होंने खरीदा था जमीन को 1,44,000 में। कुछ टाइम के बाद एक ग्राहक आया और वो सुरेश और रमेश को बोलता है मुझे तुम लोगों की जमीन खरीदनी है और मैं तुम लोगों को मस्त अच्छा भाव दूंगा। और कितना भाव देके गया वो, 20% प्रॉफिट देके गया। क्या देके गया वो, 20% प्रॉफिट। तो आपका अगला स्टेटमेंट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। अब बेटा अपने को फाइंड करना है ये जो मुनाफा होगा ना, इसमें से कितना सुरेश को दे दें और कितना रमेश को दे दें, ठीक है। सबसे पहली बात समझो, उन्होंने जमीन खरीदी 1,44,000 में और उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया। अपने को पता ही नहीं है उनको प्रॉफिट ही कितना हुआ है। अगर मुझे पता होगा कि मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट है तो उस 100 रुपए में से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, परसेंटेज के साथ में क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कुछ भी नहीं। तो अब मैं निकालूंगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या निकालूंगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। स्टैंडर्ड 6 में प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड टर्म में पहली बार आपको सिखाया था प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है सो वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। अब प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे लिख देंगे 20 इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं पता है सो वी विल राइट हियर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है बेटा, सुरेश और रमेश ने मिलकर 1,44,000 रुपीस जमा किया था तो वो लोग उतने की ही जमीन खरीदेंगे, करेक्ट, तो कॉस्ट प्राइस में हम लिख देंगे 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर के 2 जीरो बेटा और नीचे के 2 जीरो अपने आप क्या हो जाएंगे कट, जो बच जाता है उसे कॉपी कर दो। 20 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 1,44,000 1,44,000, करेक्ट। और फिर बेटा आप देखो यहां पर इक्वल टू का साइन है,
तो 20 विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ 1440. तो आपका अगला स्टेप बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1440 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. करेक्ट, आप इसे मल्टीप्लाई करो. आप चाहो तो रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं इसे ओरली कर रहा हूं. 4 2 8 2 1 2 और कितने जीरो बच गए, 2. सो करेक्ट आंसर है 28,800 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. और इसको प्रॉपर वे में हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज 28,800. ठीक है, इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने सिर्फ अभी तक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताया है. अब इस प्रॉफिट पर ना सुरेश पूरा क्लेम कर सकता है कि सुरेश बोलेगा पूरा 28,800 मेरा तो रमेश क्या मुंह देखेगा, नहीं ना, और ना ही रमेश बोल सकता है कि चल चल ये अमाउंट पूरा मेरा. गलत, हमें इसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हम अगले वीडियो में देखेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.